हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, तो देख सकते हैं ये डीसी कन्वर्टर है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं ये कन्वर्टर है दोस्तों। इस कन्वर्टर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इसको 3 वोल्ट देंगे तो इधर से 48 वोल्ट तक आपको आउट देगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसे डीटीएच चला सकते हैं। डीटीएच जो सेटेलाइट फाइंडर है उसको भी चला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। केवल 3 वोल्ट देंगे इधर तो इधर से 12 वोल्ट देगा ये कन्वर्टर। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे देगा। तो यहाँ से फटाफट से हम यहाँ पे दोस्तों ये आउट का वायर है, देख सकते हैं दो तरफ इधर रहता है, देख सकते हैं IN लिखा हुआ है, तो यानी इन। और इसका मॉडल है 6009 इसका मॉडल है दोस्तों। फ्लिपकार्ट या अमेजन से परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन मिल जाएगा तो अच्छी बात है, खरीद लीजिएगा। और ये वॉल्यूम जैसा दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे नॉब है। इसको नचाएंगे, जितना भी इसको घुमाएंगे तो आपका वोल्टेज कंट्रोल करेगा। जैसे कि 5 वोल्ट दे रहा है, 10 वोल्ट दे रहा है, इसको एडजस्ट करेंगे उतना वोल्ट आपको मिल जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं इसको मैं यहाँ से मैं इस वायर को जोड़ दूंगा, क्योंकि एडाप्टर से ये लगा हुआ है। तो यहाँ से हम एडाप्टर में लगा देते हैं और आपको ये एडाप्टर देख सकते हैं कितना वोल्ट का है। यहाँ पे देख सकते हैं आउट 5 वोल्ट दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आउट 5 वोल्ट का दे रहा है। ये रियलमी कंपनी का है, तो इसको हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसे दोस्तों सब कुछ आप चला सकते हो, DTH जो रिसीवर आता है उसको भी आप बहुत ही आसान तरीके से चला सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे IN- यहाँ पे IN+। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है IN+। तो यहाँ पे हम प्लस का वायर जोड़ देते हैं। जुड़ गया। और इधर हम माइनस का वायर जोड़ देते हैं, तो फाइनली ये जुड़ चुका है। अब यहाँ पे 2 आउट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हम इसको इधर कर लेते हैं और आपको पहले वोल्टेज हम चेक करके दिखाएंगे। तो ये हो गया और इसको हम अपने बोर्ड में लगा देते हैं और थोड़ा सा ट्राइपॉड को ऊपर कर देते हैं ताकि आपको आसान तरीके से दिख सके। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम यहाँ पे डीसी 20 वोल्ट पे 200 वोल्ट पे कर लेते हैं, डीसी 200 वोल्ट पे। और यहाँ पे दोस्तों इसको हम रख देते हैं और पहले इनपुट चेक करेंगे वोल्टेज। सॉरी दोस्तों, ये ऑन नहीं था, हो गया। देख सकते हैं 4 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आउट है इसको हम इस वायर को हम इसमें लगा देते हैं। देखिए दोस्तों अब कितना वोल्ट मिल रहा है, 39 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों चलिए आपको इस नॉब को हम नचाकर दिखाते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये नॉब है, इसको हम जूम करेंगे, सॉरी दोस्तों इसको हम नचाएंगे। देखिए मैं नचा रहा हूं, देखिए दोस्तों अभी वोल्टेज कम बेसी नहीं हो रहा है, तो इसको हम देखिए कम हो रहा है। देखिए दोस्तों कम हो रहा है, यानी 38 वोल्ट तक ये दे रहा है वोल्टेज। देखिए दोस्तों 100% कम हो रहा है। इस मॉड्यूल का यही कारण है दोस्तों कि ये कम बेसी करता रहता है। दोस्तों ये 3 वोल्ट से आपको चालू होगा और आपको 38 वोल्ट आपको आउटपुट देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट पे आ गया है, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट,
चार वोल्ट, मैक्सिमम चार वोल्ट पे आकर ये रुक गया, अब ये नहीं रुक रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको हम 12 वोल्ट पे इसको रहने देते हैं, देख सकते हैं 9 वोल्ट, 10, 11, 12, इसको 12 वोल्ट पर हम सेट करके छोड़ देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा है ये मॉड्यूल दोस्तों, इसको 3 वोल्ट मैंने दिया और ये 12 वोल्ट हमको दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई झोलझाल नहीं है, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये मल्टीमीटर का वायर है और इसमें गया है और ये 12 वोल्ट प्रॉपर तरीके से दे रहा है। तो आई होप ये वाली आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग मतलब दूसरा जो ये क्या बोलते हैं सेटेलाइट फाइंडर और या मदरबोर्ड मतलब जैसे डीटीएच कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हो गया प्रॉपर तरीके से, आप जान गए कि ये 3 वोल्ट इसको इन देंगे तो आउट 38 वोल्ट तक ये प्रदान करता है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं, सब्सक्राइब और कीजिएगा चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।